गाइस कैसे हैं आप लोग। आज ठंड बहुत है तो मैं एग करी बनाने जा रहा हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए आप बेसिकली मैंने क्या क्या लिया है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेरी टमाटो प्यूरी है जो कि 5 से 6 टमाटर को मैंने मिक्सी में मिक्स किया है। उसके बाद कुछ प्याज हैं, 6-7 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ की, और ये मैंने चना लिया है, चने को मिक्स किया है। और मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मेरे पास फ़िलहाल अदरक और लहसुन दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। ये कुछ सरसों का तेल लिया है, ठीक है, तो इसमें मैं ये एग फ्राई करने वाला हूँ, राइट। तो आप देख सकते हैं तो गाइज ये मेरे जो एग्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको यहाँ पे निकाल लूँगा। तो गाइज ये थोड़ी सी हींग मैंने डाली है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये थोड़ा जीरा, और उसके बाद थोड़ी सी साबुत मिर्च डाली है मैंने तोड़ के। तो गाइज जो मैंने प्याज मिक्स की हुई थी वो मैंने प्याज डाल दी है यहाँ पे, और प्याज को डालने के बाद कुछ देर में इसको भूनूंगा जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे जो मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डाल देता हूँ। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास 1 पाउच था तो वो डाल चुका हूँ, और इसको थोड़ा सा ही चलाने के बाद मैं यहाँ पे जो मेरा चना था पिसा हुआ वो अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और इसको थोड़ी देर भुनने दूँगा ताकि जो इसका एक चने का कच्चापन है वो दूर हो जाए, इसलिए हम इसको इस टाइम पे प्याज के टाइम पे डाल देते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे अब ये जो मैंने टमाटो प्यूरी अपनी बनाई थी वो डाल दिए, और इसको कुछ देर चलाने के बाद जब तक कि ये पूरी तरह मिक्स ना हो जाए मैं इसको चलाता रहूँगा। और उसके बाद तो यहाँ पे मैंने डाल दी है थोड़ी मिर्च, देख सकते हैं। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे धनिया पिसा हुआ, उसके बाद ये थोड़ा गरम मसाला, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि सूखा सूखा हो रहा था, नीचे से जल जाता अगर मैं यहाँ पानी नहीं डालता, और कुछ देर में इसको यहाँ पे पकाऊंगा। तो गाइज ये थोड़ी हल्दी ऐड करनी है और थोड़ा गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा मीट मसाला, ओके गाइज देख सकते हैं आप, और थोड़ा सा मैं इसको चला दूंगा और कुछ देर पकने दूंगा। ये मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है इसमें, और गाइस जो मैंने आलू बॉईल किए हुए थे वो मैंने आलू ऐड किए हैं यहाँ पे ताकि जो मेरी ग्रेवी है वो थिक हो जाए। अब मैं यहाँ पे जो मेरे एग्स हैं वो ऐड करने वाला हूँ,
जो कि सारे के सारे मैं ऐड कर चुका हूँ, देख सकते हैं आप। और गाइस थोड़ी सी कसूरी मेथी यहाँ पे डाली है मैंने, इसमें थोड़ी सी खुशबू और थोड़ा सा फ्लेवर में भी चेंज हो जाता है। और अब सारी की सारी चीज़ें मेरी ऐड हो चुकी हैं, बस अब लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देना है। तो उसके बाद ये कुछ देर पकेंगे और फिर मैं इसको सर्व कर सकता हूँ। तो ये थी एग करी की रेसिपी मेरी, आई होप अच्छी लगी हो ये आपको, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा।